हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट एंड गो। सो हम सबको पता है कि एक गेटकीपर का काम क्या रहता है या एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रहता है, ठीक है, टू कीप द अनइम्पॉर्टेंट स्टफ अवे, है ना। तो ऐसा ही एक गेटकीपर हमारे ब्रेन के पास भी है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या हम उसको RAS भी बोल सकते हैं या RAS, जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि आप एक क्राउडेड स्पेस में खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, नॉइस है, बहुत सारी विजुअल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, और अगर वहाँ पे आपका कोई नाम लेता है तो क्या होता है, वी आर एबल टू डिलीट ऑल द अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड फोकस ऑन द पर्सन हु इज़ कॉलिंग आउट अ नेम, है ना। तो हम सारा कुछ वो डिलीट कर देते हैं और बस उसी पे फोकस करते हैं जो हमारा नाम ले रहा है। तो ऐसे ही RAS वर्क करता है। तो RAS हमारे ब्रेन का गेटकीपर है जो फिल्टर करता है ऑल द अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड शिफ्ट आवर फोकस टू एवरीथिंग दैट मैटर्स टू यू। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं RAS सब इधर उधर की बातें छोड़ के सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता है जो सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पर अब बात तो ये है ना कि हमें पता कैसे चलेगा हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। नाउ फॉर एग्जांपल, आपकी कल कोई मीटिंग है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी तैयारी करनी है उसके लिए, तो आप क्या करोगे, यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट थिंग टू योर सेल्फ। कल मेरी मीटिंग है तो मुझे ये फाइल बनानी है, कल मेरी मीटिंग है मुझे ये PPT रेडी करनी है, कल मेरी मीटिंग है तो ये पेंडिंग काम भी पड़ा है ये भी मुझे कंप्लीट करना है, तो कल मेरी मीटिंग है मुझे इतनी सारी तैयारी करनी है। आप खुद अपने आप को कितनी बार रिपीट करते हो, आप खुद भी रिपीट करते हो, आप किसी को भी बोल देते हो कल मेरी मीटिंग है यार मुझे याद दिला देना, ठीक है। तो आपके कोई सीनियर्स भी हैं वो भी आपको याद दिलाते हैं यार आपकी मीटिंग है तो गेट रेडी फॉर इट, है ना। तो हम वी कीप ऑन रिपीटिंग। नाउ द मोर यू रिपीट, ठीक है, द मोर इमोशनल यू विल फील अबाउट इट, ठीक है, और जितना आप इमोशनल उसके बारे में फील करोगे दैट थिंग विल गेट इनग्रेन इन योर माइंड, ठीक है। और जब वो चीज़ आपके माइंड में इनग्रेन हो गई, नाउ आपका जो फोकस है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब आपका फोकस उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप अपनी मीटिंग के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, और जब आप कॉन्शियस हो जाओगे इस चीज़ के बारे में तब जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वर्क करता है, तब RAS वर्क करेगा, और तब सब अननेसेसरी थिंग्स जो हैं आपके अराउंड वो डिलीट हो जाएंगी और सिर्फ आपका फोकस मीटिंग पे होगा। तो ऐसे RAS वर्क करें। कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, कीप ऑन रिपीटिंग इट टू योरसेल्फ, ठीक है, कीप ऑन रिपीटिंग इट टू योरसेल्फ, कीप रिपीटिंग पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। आपको कोई गाड़ी चाहिए, कीप ऑन रिपीटिंग मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये मॉडल चाहिए, ये मॉडल चाहिए। आपको कहीं कोई भी गोल आपको अचीव करना है, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट टू योरसेल्फ एंड सी द मैजिक। ऐसे ही नहीं कहा जाता, जहाँ ध्यान वहाँ प्रगति, जहाँ फोकस वहाँ सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ टू शेयर, प्लीज़ टू टेल आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।